कादिर। ठीक है, अपना परिचय देंगे। मेरा परिचय सर, मैं मोहम्मद कादिर हूँ, मैं ट्रैक्टर चलवाता हूँ। मेरी गाड़ी 13 कछार चलती है। तहसील साहब, तहसीलदार साहब जबरदस्ती मेरी गाड़ी पकड़ के लिया, ना कोई पूछे ना कोई ताशे। कल मेरे को कहीं से फोन आया कि मैं तुम लोग का गाड़ी नहीं चलने दूंगा, तुम लोग तरदा से बालू नहीं ला रहे हो, नहीं चलने दूंगा। आज मेरी गाड़ी को तहसीलदार लोग जबरदस्ती, तहसीलदार आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब लोग मेरी गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ के लिए। रॉयल्टी है मेरी गाड़ी चांदगीर चापा से आई है, ये मेरा रॉयल्टी का फोटो भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी रॉयल्टी रहने के बाद भी हम जैसे गरीब लोग को परेशान करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मरेंगे, मरने से अच्छा अभी मर जाते हैं तहसीलदार के सामने अपने आप के ऊपर कुछ भी करके। यह नीति नहीं चलेगा। मैं तो मेरी गाड़ी आज नहीं छोड़ेंगे, मैं अभी यही आत्मदाह करूंगा गाड़ी के सामने तहसीलदार जी के। मेरी गाड़ी अभी नहीं छोड़ेगा तो मैं अभी आत्मदाह करूंगा तुरंत। मैं रोजी नहीं रहेगी तो जी के क्या फायदा? कौन किसका फोन आया? भूख मेरा इससे तो अच्छा आत्मदाह कर रहे हम। तहसीलदार गुंडागर्दी कर भाटिया के बोलने से तहसीलदार लोग गाड़ी पकड़, भाटिया का आदमी बोला कि मैं गाड़ी तुम लोग का चलने नहीं दूंगा। आज मेरी गाड़ी पकड़वा रहे, घूम घूम के भाटिया के लोग गाड़ी पकड़वा रहे, तहसीलदार को साथ में बैठा के घुमा के मेरी गाड़ी। मेरा लेबर बताया कि भाटिया के आदमी था, क्यों इधर आओ ड्राइवर साहब, क्या किसी रेट खराब से लेने के? हाँ, मैं 13 कछार चलाता हूँ। भाटिया जी अपने घाट से मेरे को रॉयल्टी नहीं देता है, बोलता तुम्हारी गाड़ियों को रॉयल्टी नहीं देंगे। तो दबाव बना रहे हैं। हाँ, तो दबाव बना रहे कि अपने घाट से अपनी गाड़ी चलवाने की। क्यों भाटिया के आदमी थे ना तहसीलदार, ये जो मेरा ड्राइवर है यही था, इसको भी गलत अनाप शनाप गाली गलौज किए। फिर बोला कितने बजे से निकला है दर्द, तो मैं बोला गाड़ी पंचर हो गया था घेरा बस्ती में। तो लौड़े के बाल मेरे को बोला पानी की आ रहा है तो गीला था शहर, अभी तो पानी मतलब पानी गिर रहा तो बालू हवा थे। रॉयल्टी रहने के बाद भी अब तहसील